ये वीडियो बहुत ही लंबे समय से चली आ रही मेहनत के बाद बनाई गई है और मेरी हर एक वीडियो बिल्कुल फ्री है। अगर आप फ्री में व्हाट्सएप के थ्रू भी लर्न करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरी हर एक वीडियो फ्री है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो बैंक डिटेल हमने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, मेरी वीडियोज देखते देखते कब आपकी लैंग्वेज हिंदी से इंग्लिश हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नव्या एजुकेटर। सो स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर 2 की बातें कर रहे हैं और आज की जो सेंटेंसेस है वो मैं बता देता हूँ किस तरीके के हैं। देखिए, ये वो सेंटेंसेस हैं जब हम अपना काम किसी और से करवाते हैं। जैसे बाल काटने को तो कट कहते हैं, लेकिन कटवाने को क्या बोलते हैं, समझ रहे हो? पेंट करने को पेंटेड बोलते हैं, लेकिन पेंट करवाने को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो जब हम किसी और से अपना काम करवाते हैं तो वहां पर गेट या हैव का यूज होता है। और अगर ये आपको नहीं पता होगी तो आपको सेंटेंस बनाने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आज कुछ जो सेंटेंस, ये 6 सेंटेंसेस लिखे हुए, ये इसी का यूज करके हमने बनाए हैं, गेट या हैव। या तो गेट यूज कर लेना या हैव, ये आपकी मर्जी है। गेट कहीं कहीं बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप गेट ही यूज करेंगे। जैसे तुम अपने बाल कब कटवाओगे, When will you get your hair cut? तो कटवाने को बोलते हैं get your hair cut, का मतलब हो गया अपने बाल कटवाना, काटना नहीं, cut your hair हो गया। कटवाने को बोलते हैं get your hair cut। तो when will you get your hair cut? कब अपने बाल कटवाओगे, मतलब दूसरे से काम करवाने में हम get का यूज करेंगे। जैसे तुम अपना काम कब करवाओगे, When will you get your work done? कब काम करवाओगे, ठीक है? Next, इसमें यहाँ जब भी आप ध्यान रखेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होनी है एक्शन की। ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है? थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, तुम अपने बाल कहाँ कटवाओगे, Where do you get your hair cut? कहाँ कटवाते हो अपने बाल, ठीक है? नेक्स्ट, आई विल गेट दिस डन, मैं ये करवा लूंगा वेरी सून, बहुत जल्दी, मैं ये बहुत जल्दी करवा लूंगा। आई विल गेट दिस डन वेरी सून, तो गेट का यूज करा गया है डन मतलब करवाने में, समझ में आ रहा ना? देखिए थर्ड फॉर्म ये रही, ठीक है? ये भी थर्ड फॉर्म है, यहां थर्ड डन मतलब करवा लूंगा। आई विल गेट दिस डन, ये करवा लूंगा वेरी सून, बहुत जल्दी। जैसे ही गॉट हिज ईयर्स पायर्स्ड, पायर्स मतलब कट छिदवाना, कान छिदवाते हैं ना, तो कान छिदवा लेंगे। तो ही गॉट हिज ईयर्स पायरिस्ट, उसने अपने कान जो है वो पायरिस्ट करवा दिए हैं, अपने कान छिदवा दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट, आई गॉट हिम टू साइन द लेटर, मैंने लेटर पर उससे साइन करवाए थे। या मैंने पास्ट का सेंटेंस है, आप देख सकते हो गॉट है, गॉट सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट हो गया। आई गॉट मतलब करवाया, पहले करवाया, हिम मतलब उससे साइन करवाया, ऑन द लेटर, लेटर पे साइन करवाया उससे मैंने, ठीक है? ये भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, वी गेट अवर हाउस पेंटेड, अब देखो गेट मतलब करवाया, हाउस को पेंट करवाया, पेंट थर्ड फॉर्म है, ठीक है? पेंटेड हो गया, तो पेंट करवाया एवरी ईयर। वी गेट अवर हाउस पेंटेड, हम करवाते हैं ऐसा क्या, अपने घर को पेंट करवाते हैं हर साल, समझ लो। अभी यहां से क्लियर नहीं हुआ, मैं क्लियर करता हूं, ध्यान से समझो, अगर अभी भी क्लियर नहीं है अभी समझो। देखो गेट यूज करो और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करो तो वो आप काम करवा लोगे। जैसे मैंने उससे रूम की सफाई करवाई, आई गेट हिम क्लीन माई रूम, मैंने उससे करवाई। जैसे मैंने उससे कार चलवाई, आई गेट हिम ड्राइविंग द कार, मैंने उससे कार चलवाई। सो स्टूडेंट्स, आप गेट का यूज करो, उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो ये काम आप करवाओगे। फिलहाल यही सेंटेंस है जो शायद मेरे दिमाग में आए थे उस टाइम जिस टाइम मैंने लिखा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग इसको ध्यान से देखो और समझो कि मैं क्या चाह रहा हूं। अगर कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना कंफ्यूजन। सो आपके लिए एक टास्क है, मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है? मैंने अपना लेटर अपने भाई से लिखवाया, मैंने अपना लेटर अपने भाई से लिखवाया। फिर से आई एम रिपीटिंग, मैंने अपना लेटर अपने भाई से
लिखवाया। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट करके लिख के दिखाइए कि आपको इस वीडियो में कुछ पता चला या नहीं पता चला। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। आज सेंटेंस का स्ट्रक्चर 2 था, कल 3 होगा। तो आप लोग सारी वीडियोस देखें एक एक करके। थैंक यू वेरी मच।